आज टिफिन में हम भिंडी आलू बनाने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने भिंडी को ऐसे काट लिया है। छोटी छोटी भिंडी थी इसलिए मैंने ऐसे कट कर लिया है, देखिए। और उसके साथ ही आलू को भी ऐसे लंबा कट कर लिया है। ऑयल गरम होते ही भिंडी को हम डाल देंगे। ढक्कन लगा के भिंडी और पोटैटो को पकने देंगे। बीच बीच में भिंडी को एक दो बार चला लेंगे और जब तक भिंडी गलती नहीं है हमें इसमें नमक नहीं डालना है, नहीं तो भिंडी ना चिकनी हो जाती है। तो आलू भी जब तक गल जाते हैं, भिंडी भी हमारी अच्छे से पक जाती है, तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सी जार में, यहाँ पे मैंने आधा कटोरी जितना मूंगफली ले लिया है, 2 चम्मच जितना बेसन लिया है, ये भुना हुआ बेसन है, 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, 2 चम्मच सफेद तिल, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच कसूरी मेथी। अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है। इसी मसाले का हम आगे भी बहुत सारी सब्जियों में यूज कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे भिंडी और आलू रेडी हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, पोटैटो हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब सब्जी में हम डाल देंगे सब्जी के जितना नमक। अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी देर इसे अभी हम ऐसे खुला ही पकने देंगे ताकि सब्जियों में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने ये जो भरवा मसाला पीस के रेडी किया है वो डाल देंगे। मसाला आप कम या ज्यादा अपने चॉइस से डाल सकते हैं, आपको कितनी मसाला वाली भिंडी चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच भर के डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ, ये आमचूर पाउडर भरवा मसाले में भी डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। तो हमारी यहाँ पे भरवा मसाले वाली मसालेदार भिंडी रेडी है टिफिन के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।